नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आज की एक और शानदार वीडियो में। आज बात करने वाले हैं दुनिया का सबसे महंगा रसायन कस्तूरी के बारे में। दोस्तों, कस्तूरी कैसे आप तक पहुंचती है, क्या इसका प्राइस होता है, क्या इसकी ब्लैक मार्केट अभी चल रही है, सारी चीज़ों के ऊपर डिस्कस करने वाले इस वीडियो के अंदर। तो चलिए दोस्तों, वीडियो प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले दोस्तों बताएं, दुनिया का जो सबसे महंगा रसायन है वो कस्तूरी होता है, और इसके महंगे होने के बहुत सारे कारण हैं। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए जो इसकी कीमत क्या होती है। देखिए, जो कस्तूरी होता है वो लगभग 30,000 से 40,000 रुपये का 1 ग्राम इसकी कीमत मिलती है। ये सरकारी इसका प्राइस है, बाकी जो गवर्नमेंट जो प्राइवेट में वैसे ब्लैक में इसका मार्केट है वो तो दोस्तों करोड़ों का है। ठीक है, अगर आप 1 केजी कस्तूरी लेने की बात करेंगे तो लगभग 4 से 5 करोड़ रुपए की वैल्यू उसकी होती है, और अगर गवर्नमेंट के आंकड़ों के अनुसार 30 से 40 लाख रुपए प्रति केजी के हिसाब से कस्तूरी आपको मिलता है। अब समझते हैं कि इसके महंगे होने का सबसे बड़ा रीज़न है दोस्तों, कस्तूरी मृग जो है ना दुनिया की सबसे दुर्लभ प्रजाति है पूरी दुनिया में, और ये कहीं नहीं होता है, सिर्फ उत्तराखंड में और जम्मू कश्मीर में और कुछ मात्रा में सिक्किम में, बाकी नेपाल और भूटान में भी होता है लेकिन वहाँ बहुत कम मात्रा में होता है। जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड का ये जो है राज्य पशु भी है, यहाँ पे इसको संरक्षित पशु जो है घोषित किया गया है। अब ये कस्तूरी क्या होता है, कस्तूरी मृग के जननांगों से मिलता है। जो मेल कस्तूरी मृग होता है जब वो 4 से 5 साल का हो जाता है तो उसके जननांगों में ये रसायन जो है बनना इकट्ठा हो जाता है, तो गांठ के रूप में इकट्ठा होता है। तो एक बार जब कस्तूरी से लगभग 4 से 5 ग्राम की सिर्फ कस्तूरी निकलती है तो आप मान के चलिए दोस्तों, इसी कारण जो है कस्तूरी का दोहन किया जाता है, इसको मारा जाता है और इससे कस्तूरी निकाला जाता है, उसकी फिर ब्लैक में मार्केटिंग होती है। ये है सबसे महंगा रीजन कस्तूरी होने का। सरकारें इसको संरक्षित करने के लिए बहुत प्रयास कर रही हैं लेकिन अभी तक तो असफल ही दिख रही हैं। तो बहुत इसमें जो महंगा होने का ये सबसे बड़ा रीज़न है। अब इसकी डिमांड है दोस्तों, इसलिए ये सबसे ज़्यादा महंगा है। जितने भी जो मोस्टली जो इसका यूज़ किया जाता है वो सबसे ज़्यादा तो इत्र या अत्तर बनाने में इसका यूज़ होता है। दुनिया के जितने भी ब्रांडेड लग्जरी परफ्यूम्स हैं वो इसी कस्तूरी से बनते हैं। जो इसका फ्रेग्रेंस है वो बहुत बेशकीमती होती है। और दूसरा दोस्तों, इसका सेक्सुअल डिसऑर्डर में वहाँ पर भी इसका यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये कस्तूरी के जननांगों से मिलता है तो जाहिर सी बात है लोग इसका उपयोग जो है वहाँ पर भी इसको करते हैं। तो ये रहे कस्तूरी के 2 मुख्य फ़ायदे जिस कारण इसकी डिमांड बनी रहती है, और इसके दुर्लभ होने के कारण ये बहुत कम मात्रा में इसकी डिलीवरी है जिस कारण कि ये बहुत ज़्यादा महंगा है। अब बात करते हैं दोस्तों, जो असली कस्तूरी होती है उसकी पहचान क्या होती है। देखिए, जो असली कस्तूरी होगा, जब भी आप कस्तूरी लेते हैं तो उसको जब आप पानी में घोलेंगे ना, ये पानी में अघुलनशील होता है। दूसरा, आप एक चुटकी भी कस्तूरी अगर कहीं पे छोड़ देंगे ज़मीन में तो वहाँ पर आप मान के चलिए 1 से 2 दिन तक, 24 से 48 घंटे तक पूरा खुशबूदार वातावरण वहाँ पे बना रहता है। ये होती है असली कस्तूरी की पहचान। देखिए, ये जो मूल रूप में मिलती है ये लिक्विड फॉर्म में होती है, कुछ इस तरीके से। ये देखिए, आप जो देख रहे हैं ये ब्लैक, इसके अंदर ये होती है कस्तूरी, और इसको जो है सुखाया जाता है। तो वहाँ पर जब ये भुरभुरे दानेदार हो जाती है तो ये कस्तूरी होती है मार्केट में बिकने के लिए तैयार। उससे पहले ये जो है लिक्विड फॉर्म में होती है, गाढ़ा मटीरियल होता है, इसीलिए इसको रसायन या केमिकल बोला जाता है। तो इस तरीके से इसको इकट्ठा किया जाता है, इसकी प्रोसेसिंग की जाती है, उसके सुखाया जाता है, और उसके बाद ये विभिन्न जो आपके परफ्यूम्स हैं, इत्र हैं, डिओड्रेंट्स हैं, और सेक्सुअल डिजीज में जो भी दवाइयां बनती हैं वहां पर उसका इस फॉर्म में इस्तेमाल किया जाता है। तो ये है दोस्तों कस्तूरी का जो पूरा एक मैंने आपको इसका दिया, और जो असली कस्तूरी की पहचान है वो भी मैंने आपको बताई। पानी में वो अघुलनशील होता है, जब भी आप कस्तूरी खरीदें तो उसकी पहचान ये आप जरूर कर लें कि वो पानी में घुलना नहीं चाहिए। जो कस्तूरी पानी में घुल जाएगी समझ लीजिए वो कस्तूरी बेकार है बिल्कुल तरीके से, वो नकली कस्तूरी जो है बनाई जा रही है। क्योंकि आपको कस्तूरी बेचने वाले बहुत मिल जाते हैं दोस्तों, और वो आपको इसी तरीके से बेवकूफ़ इसमें बनाते हैं। तो ओरिजिनल कस्तूरी आप किसी रिलायबल सोर्स से ही लीजिए, आपके बहुत काम आने वाली है। कैसे लगी आपको ये जानकारी जरूर बताइए, वीडियो को फॉलो जरूर कर लीजिए दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूँ नेक्स्ट शानदार वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।